शिमला मिर्च, जिसे बेल पेपर के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। वैसे तो शिमला मिर्च एक ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके साल भर इसकी खेती कर इसे उगाया जा सकता है। और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के माध्यम से भारत में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के कई लाभ हैं, जैसे ग्रीन हाउस व पॉली हाउस में की जाने वाली संरक्षित खेती से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। फसल को वर्षा, तेज हवा, अधिक तापमान के साथ साथ कीटों और बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों में सुधार होता है। ओपन फील्ड कल्टीवेशन की तुलना में उपज में 2 से 3 गुना वृद्धि के साथ साथ पूरे वर्ष भर फसल ली जा सकती है। अगर कॉम्पोनेंट की बात करें तो ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से कवरिंग मटेरियल, फ्रेम वेंटिलेशन सिस्टम, इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम्स इत्यादि होते हैं, और इन कंपोनेंट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के आधार पर ग्रीन हाउस को अलग अलग प्रकार, जैसे शेड नेट, पॉली हाउस इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कैप्सिकम की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सही पद्धति अपनाना आवश्यक होता है, जिसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे इसके लिए दिन का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिट्टी सैंडी लोम और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए और पीएच 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। साथ ही जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी भी जरूरी है। भूमि की तैयारी के लिए 4 से 5 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है और अंतिम जुताई के पहले 20 से 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से अच्छी तरह से डीकम्पोज्ड FYM को मिट्टी में मिलाया जाता है। इसके उपरांत बेड्स का निर्माण किया जाता है। शिमला मिर्च के लिए रेज्ड बेड्स अत्यंत उपयोगी विधि है। रेज्ड बेड्स का आकार 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 से 22 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। बेड तैयार करने के बाद मिट्टी का फ्यूमिगेशन 4% फॉर्मेल्डिहाइड प्रति लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से करना ना भूलें, जिससे कि मृदा जनित रोगों की समस्या को कम किया जा सके। अगर बात करें वैरायटी सिलेक्शंस की तो अर्का बसंत, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, ग्रीन गोल्ड, येलो वंडर, हीरा, पूसा दीप्ति इत्यादि उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। शिमला मिर्च एक हेवी फीडर क्रॉप है, जिसका समय समय पर उचित न्यूट्रिएंट देना बहुत आवश्यक है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सिंचाई के साथ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को फर्टिगेशन मेथड से दिया जाना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए सीडलिंग्स तैयार करना उपयुक्त होता है। एक एकड़ में लगभग 16,000 से 20,000 सीडलिंग्स की आवश्यकता होती है। सीडलिंग्स को सर्टिफाइड नर्सरी से लेकर डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग भी की जा सकती है, जिससे समय की बचत होती है। रोपाई के समय सीडलिंग्स की लंबाई 16 से 20 सेंटीमीटर और 4 से 6 पत्तियां होना आवश्यक है। ट्रांसप्लांटिंग के समय सीडलिंग को 2 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उपचारित कर लगाने से डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। पंक्तियों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। शिमला मिर्च के पौधों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है। गर्मियों में सिंचाई 7 से 10 एवं सर्दी के समय 10 से 15 दिन के अंतराल पर की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए शिमला मिर्च के पौधों को उपयुक्त ट्रेनिंग और ट्यूनिंग करने की भी आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के उचित प्रबंधन के लिए समय समय पर कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेते रहना चाहिए। हरी शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग ट्रांसप्लांटिंग के 55 से 60 दिन बाद, येलो शिमला मिर्च की 70 से 75 दिन पर और रेड शिमला मिर्च की 80 से 90 दिन पर की जा सकती है। शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है। फलों की तुड़ाई 3 से 4 दिन में एक बार की जा सकती है। पीले और लाल फलों की कटाई तब की जा सकती है जब उनका रंग 50 से 80% विकसित हो जाए। कटाई के बाद फलों को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए और सूर्य की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। शिमला मिर्च की प्रति एकड़ औसत उपज 30 से 40 टन होती है। एक वर्ष में शिमला मिर्च की 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए एक एकड़ पॉली हाउस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, लोकेशन, टाइप्स ऑफ पॉली हाउसेस और उपयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट के आधार पर अलग अलग होती है। हालांकि एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में शिमला मिर्च उगाने के लिए एक एकड़ पॉली हाउस प्रोजेक्ट की लागत 40 से 50 लाख रुपए तक हो सकती है।
शिमला मिर्च के संरक्षित खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पर बेनिफिशियरी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% की दर से अधिकतम 56 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहा है, जिसके स्टैंडर्ड और कॉस्ट नॉर्म्स NHB द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सभी योजनाओं और उनके स्टैंडर्ड्स NHB की वेबसाइट www.nhb.gov.in पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 01242343414 पर संपर्क करें। हमें ईमेल द्वारा किसी अन्य प्रकार की सहायता या सुझाव के लिए helpdesk.nhb@gov.in पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।